जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने मूंग और मठ पर राष्ट्रीय स्तर के शोध के चलते 4100 तरह के अलग अलग किस्म के पौधे तैयार किए हैं। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवन काला ने बताया कि इतनी ज्यादा प्रजातियों पर किए जा रहे शोध के अभी तक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये शोध प्रधानमंत्री की किसानों की आय दुगनी करने वाली योजना को बढ़ावा देगा। चलाया जा रहा है जिसमें 18 अलग अलग इंस्टीट्यूट पूरे भारत से भागीदार हैं और ये करीब 32 करोड़ की परियोजना है जिसमें कि हम 6 अलग अलग मूंग की विग्ना के सैंपल्स को, जिसमें मूंग बीन हो गया, मोड बीन हो गया, काउपी हो गया, इन सबको हम स्टडी कर रहे हैं और इनकी हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे फाइनली 6ों की। यहाँ जोधपुर में काजरी में हमने मूंग के 4100 तरह की वैरायटीज जर्मप्लाज्म लगा रखा है जो कि भारत से और विदेशों से आया हुआ है। जितना आज तक भारत के पास एक कलेक्शन है मूंग बीन का वो, और करीब 1500 मोठ बीन के सैंपल्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं। हमारी संस्थान ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है कि पुरानी जितने भी मूंग की किस्में हैं, उनको लैंडेस कहें, ट्रेडिशनल वैरायटीज कहें, उन पूरे देश के मूंग को हमने इकट्ठा किया NBPGR से, जो लगभग 4000 के आसपास है। उन वैरायटीज़ को हमने एक साथ खेत में लगाया है और उसका एवेल्युएशन हम इस तरह से कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर कौन सा गुण मौजूद है जो क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति हम आज के दिन रोज़ाना महसूस कर रहे हैं, उस वस्तुस्थिति को देखते हुए आने वाले समय में किस तरह से वो गुण एक एक वैरायटी में लेके हम नई किस्में ऐसे किसान के लिए पैदा कर सकें जो उन चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकें।